अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी, बोलो। प्रायोरिटी तो देखिए साहब इनके साथी की, विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने चाहे वाले था? मैं बताता हूं, क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया माननीय अध्यक्ष जी की इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी हुई थी। कौन सी फाइलें थी जरा आप ध्यान से सुनना भाई, जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था इसका ओपिनियन जो देना था वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री फंसते हैं, शीश महल की फाइल, दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए, इसकी जांच की फाइल भी ये सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो, ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैर कानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई, वो फाइल भी विजिलेंस में थी। BSES जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और BYPL कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया, उनको 21,000 करोड़ लेना है वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया, इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया, और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानते सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम के, मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए माननीय अध्यक्ष जी।